কেমন আছো পারো? বহুত দিনো বাদ মিলে হাম, পলট কর দেখোগে নেই মেরা চেহারা। দিন তুমারে লিয়ে দিন হোঙ্গে, মেরে লিয়ে তো 10 সাল 6 মহিনে 4 দিন আর 3 মহিনে। তুমি হাম কবি ইয়াদ নেই আয়ে? হ্যাঁ পারো। ঝুট, 10 সাল আর সিরফ 5 চিঠি? সাল মে মৌসম ভি 4 হোতে হ্যায়, কম সে কম হর মৌসম কি এক চিঠি তো লিখি হোতি। अब कुछ समझदारी की बातें करने लगी हो, तुम बड़ी हो गई हो पारो। अगर सागर सामने हो तो झरने को नदी बनने में क्या देर लगती है? तो फिर अपना चेहरा दिखाने में इतनी देर क्यों? आज इतने सालों बाद ही चांद खिला है, डर था कहीं ये तुम्हारे होश न उड़ा दे। इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं। कैसे करता, उस चांद पर दाग जो है। तो ठीक है पारो, आसमान में चांद खिलने के बाद ही देखेंगे तुम्हारा चेहरा, देखे कौन होश उड़ाता है, उस चांद का नूर या तुम्हारा कौन। पारो, तुम्हें कोई और छुए मुझे अच्छा नहीं लगता। इश, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, देवदास को देख रही थी। कैसा लगा तुझे? मैं नहीं बताती। अरे बता ना, कैसा लगा तुझे? एकदम बोका। धुत, और तुझे देखकर वो क्या बोला? मैंने तो अपना चेहरा दिखाया ही नहीं। माती भी शक्ति, हे राम, तड़प रहा होगा बेचारा। तड़पने दो। अरे इतना भी मत तड़पाना उसे, नहीं तो बचपन की तरह फिर से आ धमकेगा दरवाजे पे और पूछेगा काकी माँ पारो है। अब तो ये चेहरा चांद के साथ ही दिखाऊंगी। Thank you.
आज चांद जमीन पर कैसे उतर आया? तुम्हारे होश उड़ाने। ये क्या है? अपना अंदाज आजमा रही हूँ। ठीक रहा। गलत हो ही नहीं सकता। क्यों? तुम्हें बचपन से जो जानती हूँ। या। ये क्या है? थाली। थाली है, मुझको भी मालूम है, लेकिन इसमें है क्या? बहाना। ए, मेरे लिए संदेश है ना? देख लो। ये तो खाली। इसीलिए तो बहाना है बुद्धू। अरे बाबा, एक तो राग रूठ ना तो कोई तुमसे सीखे देव, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। तुम भी तो बिल्कुल वैसे की वैसी हो। कैसी? कमार। हाँ, अब तो हम सब गवार ही लगेंगे ना, लंदन से जो पढ़कर आए हो। वैसे लंदन बहुत बड़ा शहर है ना देव? लंदन की बात ही कुछ और है। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी इमारतें, एंड ट्रफाल्गर स्क्वायर, पिजन्स, कबूतर, रानी का महल, और जिधर देखो बस चहल पहल। डू यू नो पारो, लंदन के लोग अपनी दुनिया में ही मस्त हैं। और तुम? ऑफ कोर्स, यू आर सो सिली। मेंशन नॉट। अच्छा देव, एक बात बताओ, तुम्हें कभी गांव की याद नहीं आती थी? कभी नहीं, कभी भी नहीं, कभी 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 मेस का खाना खा के दिल उब जाता था तो माँ की रोटियों की याद आ जाती थी, बस दैट्स इट। वहां कोई डांटता था लंदन में तो बाबूजी की याद आ जाती थी, और कुछ नहीं। शाम को घूमने को निकलता था तो धर्मदा की बग्गी की, और रात को नींद नहीं आती थी तो बड़ी माँ की थपकी, बस। देव, और क्या? मैं कभी नहीं। एक बार हल्की सी तुम्हारी कभी याद नहीं आई पारो? सच देव, मैं कभी याद नहीं आई? बात तो वो याद रहती ना पारो जिस बात में कोई बात हो, लेकिन तुम में तो कोई बात है ही नहीं ना। सच कहा देव, बात तो सिर्फ तुम में है। या इसीलिए तुम्हारी लिखी उन 5 चिट्ठियों को दिन में मैं 5-5 बार पढ़ती थी, तो साल में कितनी बार पढ़ ली होंगी देव? अगर और 10 साल में तो 2 बार से उसको अगर 18,250 बार। और तुम में इतनी बात है देव कि 10 साल पहले तुम्हारे नाम का दिया जला था मैंने, और उसे आज तक बुझने नहीं दिया। वो कितने घंटों से चल रहा है जानते हो तुम? अगर हम हिसाब लगाएंगे तो 87,600। और तुम्हें इतनी बात है देव कि दिन के हर पल में मैं तुम्हें याद करती थी। दिन में पल कितने होते हैं देव जानते हो? मुझे पता है, मैं बताता हूँ। हिसाब के बड़े कच्चे हो तुम। ए पार, एक बात होती थी तब तुम बहुत याद आती थी। कब? जब जब मैं सांस लेता था तब तो। इश। या तो वो आते हैं जिन्हें बुलाया जा सकता हो। कमाल, कितनी आसानी से गिनवा दिया कि तुम्हें हर पल मेरी याद आती थी, लेकिन ये नहीं सोचो कि उन पलों में बीतता तो मैं ही था। दिया तुम चला देते पर चलता तुम ही था। क्यों? ए पारो! ए पारो! आज तुम्हारी दूरबीन से झांकने वाली चोरी पकड़ी गई। चोरी तो तुम्हारी भी पकड़ी गई, इसलिए तो मुझे भी सजा सुनाई गई कि मैं आके तुम्हें सजा दूं। तुम्हारे लिए क्या तोहफा? जब लाए ही हो तो पहना भी दो। तुम्हारे हाथ में ये चूड़ियां हैं ना बुद्धू। अच्छा छोड़ो, एक बात बताओ देव, लंदन कहाँ है? पश्चिम में। सूरज कहाँ डूबता है? बारो, पश्चिम में। क्या लंदन में सचमुच सूरज 5 घंटे देरी से उगता है? हाँ वो तो है।
इसीलिए तुम सब कुछ देरी से समझते हो। हाँ, वो तो विदेशी गवार, जब चूड़ियां उतारना नहीं जानते तो कंगन क्या खाक बनाओगे। कौन? मैं। ठीक तो हो ना? इतनी रात गए अंधेरे में, तुम्हें डर नहीं लगा? ना, आज मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। बदनामी से भी नहीं? नहीं, जिस वक्त तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ होती हूँ तो बदनामी का भी नहीं। तो तुम इस वक्त यहाँ पर क्यों आई हो? नदी सागर से मिलने क्यों जाती है? सूरजमुखी हमेशा सूरज की तरफ ही क्यों देखता है? और ये पारो, अपना स्वाभिमान, अपनी कुल की मान मर्यादा सब कुछ छोड़कर रात के इस वक्त अपनी देव के चरणों में जगह मांगने क्यों आती है? इन सारे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है देव। जवाब तो एक है पारो, पर सवाल बहुत सारे हैं। कोई सवाल नहीं जब तक हम दोनों साथ हैं। और यही तो वो लोग नहीं चाहते। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी खुशी। पर पारो, बाबूजी इस रिश्ते को हमारी नजरों से नहीं देखेंगे। हम उन्हें मना लेंगे। अगर वो नहीं माने तो? जहां प्यार होता है वहां परवाह नहीं होती देव। जहां आग होती है वहां पर धुआं तो उठता है ना पारो। और मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवारों के बीच में लगे इस आग के धुएं में हम दोनों खो जाए। खोना तो हर हाल में है देव, या तुम्हारे साथ या तुम्हारे बगैर। चलो, तुम्हें घर पहुंचा दो। साथ चलोगे? बदनामी से डर नहीं लगेगा? कार्य जाने पर तो कुत्ता भी उस चौखट पर वापस नहीं आता। जब दिन के उजाले में बात न बनी तो रात का सहारा लिया तूने। खुले आम कोठा क्यों नहीं खोल लेते तुम मां बेटी? देख तो मनोरमा, आज तो जैसे चांद जमीन पर उतर आया हूं पारो के रूप में। आज अगर देवदास यहां होता तो देखता उसने क्या खोया है। बड़े अच्छे भाग पाए हमारी पारो ने। ऐसी रोशनी वाली बारात चली है मानिकपुर से। आपने कब देखी काकी माँ? आप नहीं जानती, हमारे यहाँ दुल्हन की माँ बारात नहीं देखती। हाँ, देख तो कहते माँ की नजर लग जाती है। और जानती हो मनोरमा, आज के बाद पारो को कोई पारो नहीं कहेगा, सिर्फ पार्वती। काकी माँ, बारात आने वाली है, मिल लो। चलो मनोरमा। मैं आ गया हूं पर। क्यों? मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया। जब बारात चौखट तक आई तब? ना पारो, अभी भी वक्त है। मैं जैसे भी होगा अपने माता पिता को मना लूंगा। मैं कह दूंगा तुम्हारे माता पिता है तो मेरे नहीं, तुम्हारे परिवार की इज्जत है तो हमारी नहीं, तुम्हारे माता पिता जमींदार तो मेरे कुछ भी नहीं। चाहे जितने भी नीच कुल के लोग हो हम बेटी बेचने वाले, पर कभी किसी को धोखा नहीं देते। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है पर। फिर क्यों छोड़कर गए थे तुम? और वो चिट्ठी? पर तुम तो जानती हो कि तुम्हारा देव कोई भी काम सोच समझ कर नहीं करता। वो मेरी ना समझी थी। ना समझी? ऐसी कैसी ना समझी तुम्हारी देव कि जब जहां आकर कंगन पहना गए, जब जहां चिट्ठी लिखती कि हमारे बीच कोई प्यार नहीं, ना समझी? और जब जहां आकर खड़े हो गए तो पारो में हमेशा बारात आ गई है तेरी।
हमारे जाने का वक्त आ चुका है। मैं इस शादी को नहीं मानता। क्या फर्क पड़ता है जब मैं मानती हूँ? अगर ऐसा है तो मैं सबके सामने जाकर कह दूंगा कि तुम रात के 2 बजे तुम्हारे कमरे में तुमसे अकेले मिलने आई थी। बदनामी फैलाना चाहते हो? मैं फैलाऊंगा बदनामी? मैं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? पारो, अगर फिर से तुमने ऐसा कहा क्या करोगे? मारोगे मुझे? बचपन से लेके आज तक अपना अधिकार समझते आए हो मुझ पर, और जब मैंने अपना अधिकार मांगा तो मुंह फेर लिया। इतना गुरूर अच्छा नहीं। क्यों ना करूं गुरूर? तुम्हारे पास है ही क्या देव? सिर्फ रूप और दौलत? मेरे पास गुण भी है, रूप भी है, और आज के बाद दौलत भी। आज से तुम्हारी हमारी बराबरी होगी देव। अगर लोग तुम्हें जमींदार कहेंगे तो मैं भी ठकुराइन सुनकर इतराऊंगी। इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं। कैसे करता वो गुरूर? उस चांद पर दाग जो है। देव! ये तुमने क्या किया देव? उस चांद की तरह तुम्हारे चेहरे पर भी दाग लगा दिया। ये हमारे प्यार की निशानी है। पारो, बदनामी फैला दूं क्या? उस वक्त बदनाम हो जाते तो शायद हमारा नाम एक हो जाता। तुम खुश तो हो ना पारो? अरे वहां की तो बात ही कुछ और है देव। बड़ा मकान, बड़ी जमींदारी, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। बड़ी बड़ी बातें? बहुत बड़ी हो गई हो तुम पारो। पक्की ठकुराइन दिखती हो। बड़ा बड़ा सिंदूर, बड़ी बड़ी आंखें, उन बड़ी बड़ी आंखों में बड़े बड़े सपने, बड़ा बड़ा मकान, बड़ी जमींदारी और बड़े बड़े बाल बच्चे। पारो पारो पारो, ए मैं ये बड़ी बड़ी आंखें देख सकता हूं, पर आंखों में बड़े बड़े आंसू नहीं देख सकता। अच्छा हुआ तुम आ गई। मेरे पास तुम्हारी कुछ चीजें जो मैं लौटाना चाहता हूं। फिर इस हवेली में आऊं ना? आओ पारो, आओ मेरे साथ आओ। इधर यहां खड़ी रहो, यहां देखो, ये देखो पारो, अपने आप से मिलो। याद आया? अरे तुम, अरे ओ देवा, क्या हुआ पारो? देवा वो मेरी पायल गुम गई है, तुम्हें मिली क्या? ना मुझे तो नहीं मिली, मैंने ही छुपा दी थी। और तुम्हें भी मालूम था कि मैंने ही छुपाई है, और क्यों? सारा दिन हवेली में छम छम छम, देवा ये, देवा वो, देवा देवा, और ये वो कलसी, हा? और ये देखो, ये हमारे प्यार और जुदाई की निशानी। तुम तो गांव छोड़कर, रिश्ते नाते तोड़कर चली गई, पर मैं अभी भी इनसे बंधा हुआ हूं। ये और तुम्हारी यादें मेरे दामन से। ये क्या है? चंद सिक्के, 3 रुपए, जिससे सिर्फ यादें खरीदी जा सकती है। ये तो मेरे हैं, तुम चोर चोर। अब इन्हें वापस भी लूंगा तो मैं सूद के साथ वापस लूंगा। पर कितना सूद? वही 2 टका। 2 टके के हिसाब से हो गया महीने का 6 साल का 72 और 13 साल पारो, 9 रुपए 36 पैसे। हिसाब के बड़े पक्के हो गए हो तुम। वक्त ने सिखा दिया पारो, छोड़ो कोई और बात करते हैं। ऐसा करते हैं, तुम पारो पंडित बन जाओ और देवदास के लिए एक रिश्ता ढूंढो। सुना है तुम्हारे मानिकपुर में लड़कियां बहुत अच्छी हैं।
हाँ है तो, पर तुम्हें तो सुंदर चाहिए ना थी। अरे नहीं नहीं, सुंदर नहीं चाहिए, तुम्हारी जैसी चाहिए। और सुशील भी हो ना, थोड़ी सी तो दुष्ट होनी चाहिए जो बात बात पर मुझसे झगड़ा कर सके। कहा ना, तुम्हारी जैसी होनी चाहिए। ऐसी तो हजार मिल सकती है। अरे बाबा, हजार नहीं चाहिए, तुम्हारी जैसी एक ही संभाल लूं काफी है। शराब पीना छोड़ दो देव। ना पारो। छोड़ दो देव। ना। कोशिश तो करो ना। छोड़ सकते हो, वादा करो कि आज के बाद तुम शराब नहीं पियोगे। तुम वादा कर सकती हो कि तुम मुझे भुला दोगे। बहुत देर हो चुकी है। जब तक तुम वादा नहीं करते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं नहीं कर सकता वादा। कर सकते हो, इंसान अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। क्या आज रात को मेरा हाथ थाम के तुम मेरे साथ भाग सकती हो? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मेरा हाथ थाम के मेरे साथ भाग सकती? देखो यहाँ तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मेरा हाथ थाम सकती? बचपन से लेकर आज तक मेरा एक ही सपना रहा है कि तुम्हारे साथ रहूं, परवाह नहीं होती। मेरा वो सपना अधूरा है, उसे पूरा करने का एक मौका दो दे। मेरा हाथ थाम सकती? मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी देखभाल कर सकती हूं। मुझे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। मेरा दम घुट रहा है। अगर मेरी सेवा करने से तुम्हारे दिल को खुशी मिलती है तो ठीक, मैं वादा करता हूं मरने से पहले एक बार तुम्हारी चौखट पर जरूर आऊंगा। मुझे मुझे छूकर कसम खाओ। तुमने कैसे जाना कि हम पार्वती हैं? देव बाबू हमेशा कहते थे कि हमें ढूंढते हुए कोई औरत तुम्हारे चौखट पर आए तो बिना पूछे ही मान लेना कि वो पारो ही है। ये क्या कर रही हो? जिस औरत की जगह मैं कभी ना ले पाऊंगी उसके चरणों की धूल ले रही हूँ। सुना था हमने यहाँ की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती है, पर तुम्हारे पास इस खूबसूरती के साथ साथ दिखावा भी है। काश आप समझ सकती, हमारे पास दिल भी है। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी नाम है ना तुम्हारा? लोग तो देवदासी भी कहते हैं हमें। मशहूर हो? थी, अब नहीं। क्यों? मानो किसी फरिश्ते ने छू लिया। पैराग सीखना बाकी था सो सीख लिया। कितनी अजीब बात है, एक तवाइफ जोगन बन गई। हाँ अजीब बात तो है, एक ठकुराइन तवाइफ की चौखट पर आ गई। देव कहाँ है? हम भी बेताब हैं उनकी आहट सुनने को। 6 महीने हो गए इन आंखों ने उन्हें नहीं देखा। झूठ बोल रही हो तुम। इत्मीनान नहीं रख सकती तो तसल्ली कर लो। तुम क्या समझती हो नहीं करेंगे? और कितने दिनों तक रखोगी तुम देव को यहां? जब तक रूप है, पैसा है, जवानी है, उसके बाद तुम्हारे इस जोगन के खेल का क्या होगा? बहुत कुछ लिया होगा तुमने देव से, हम और भी देंगे, पर इस नर्क में देव को तड़पते हुए नहीं देख पाएंगे। कितनी अजीब बात है, जिस पारो के देव बाबू दीवाने बने फिरते हैं वही पारो आज उन्हें हमसे खरीदने आई है। क्या दे सकती हैं आप हमें? समाज में इज्जत दिला सकती हैं? देव बाबू की आंखों में हमारे लिए प्यार जगा सकती हैं? उन्हें एक बार छूने का अधिकार दिला सकती हैं? वो सपने, वो इंतजार, वो उम्मीदें जो देव बाबू ने हमारे दिल में जगाई हैं, क्या आप उन्हें पूरा कर सकती हैं? कर सकती हैं? नहीं, आप ये नहीं कर सकती पारो। और हम आपको देव बाबू नहीं दे सकते, पर हम उन्हें यहां से लेकर ही जाएंगे। आज हमें कोई नहीं रोक सकता, न तुम, न ये समाज, न देव खुद। एक बात मत भूलो,
तवाइफो की तकदीर में शोहर नहीं होते। तवाइफो की तो तकदीर ही नहीं होती ठकुरान। अपनी नजर से देखोगी तो कभी ना देख पाओगी, हमारी नजर से देखोगी तो चारों तरफ पाओगी उनको। देखो उस जलते हुए दिए की रोशनी में है देव बाबू, उस बिस्तर की सिलवटों में भी है, उस अधूरे पैमाने से आज भी छलक रही है देव बाबू की प्यास, आज भी महकता है कमरा उनकी खुशबू से। अगर ले जा सकती हो तो ले जाओ, ये रोशनी, ये सिलवटे, ये खुशबू सब। सब तुम्हारा, बाकी हम नहीं लौटा सकते आपके देवदास को। बहुत चाहती हो देव को, मैं तो सिर्फ उनकी पूजा करती हूं। तसल्ली हुई कि देव अब इस दुनिया में अकेले नहीं रहे। देखा बातों बातों में जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। दुर्गा पूजा की इच्छा रखती हूँ, तुम्हारे आंगन की मिट्टी चाहती हूँ, इजाजत है? ये क्या? आई थी देव को लेने, पर आज तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। पूजा में तुम्हारा इंतजार रहेगा, जरूर आना।